जय श्री राम बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा प्रत्येक समय धर्म से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी आपको प्रदान करते हैं और निर्जला एकादशी को लेकर के ये भ्रम है कि निर्जला एकादशी आखिर 10 तारीख की है या 11 तारीख की है आज इन्हीं भ्रम को हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत दूर कर रहे हैं और क्या करें निर्जला एकादशी के अंतर्गत इस पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि आपको धर्म करते वक्त आपके मन के अंतर्गत सिर्फ निर्मलता होनी चाहिए निर्मलता होगी तो परमात्मा आपके धन को आपके धर्म को स्वीकार करेंगे आपको पता होगा जब भीष्म पितामह जी वाणों की शैया पर लेटे हुए थे भगवान कृष्ण पहुँचे पांडवों को लेकर के चाहते थे भगवान कृष्ण की पांडवों को भीष्म पितामह के द्वारा कुछ ज्ञान प्राप्त हो क्योंकि युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया वही ज्ञान अर्जुन को समझ आया लेकिन युधिष्ठिर को समझ नहीं आया आखिर क्यों क्योंकि युधिष्ठिर भगवान को उस दृष्टि से देख ही नहीं पा रहे थे अपने छोटे भाई की दृष्टि से देख रहे थे बड़े की दृष्टि से देख ही नहीं पा रहे थे तो भगवान कृष्ण चाहते हैं कि भीष्म पितामा इनको ज्ञान दे भीष्म पितामा के पास पहुंचे उनके हृदय में समा करके उनको ज्ञान दे रहे हैं बाद में भीष्म पितामा कहते हैं कि मेरी एक पुत्री है प्रभु आप उसको स्वीकार कीजिए पूरे पांडव आश्चर्यचकित हो गए भगवान की कौन सी भीष्म पितामा जी की कौन सी पुत्री आजीवन तो अविवाहित थे आजकल होते तो फिर कहते अरे बाबा की निकली एक पुत्री सावधान ऐसा करके होता लेकिन अब कहते हैं कि मेरी मन मेरा मन जो है वो मेरी पुत्री है मैं इसको आपको समर्पित करना चाहता हूँ तो हमारे पास अगर कुछ परमात्मा को समर्पित करने के लिए है ना तो सिर्फ हमारा और आपका निर्मल मन है निर्मल मन अगर रखेंगे तो परमात्मा स्वीकार करेंगे अब जो ये निर्जला एकादशी को लेकर के भ्रम पैदा हो रहा है कि ये सत आ, उसकी ग्यारह तारीख की है दस तारीख की तो आपको बताना चाहता हूं कि दस जून को सात बज करके सत्ताईस मिनट पर सुबह निर्जला एकादशी प्रारंभ हो जाएगी वैसे नियम है कि सूर्य उदय से ऐसा घड़ी का गिढाई घड़ी अगर हो तो उसी दिन मनाना चाहिए ऐसा सारे नियम है तो सात सत्ताइस पर सुबह प्रारंभ होगी और ग्यारह को सुबह पांच बजकर के छियालीस मिनट तक ही रहने वाली है तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत जो शास्त्र कहता है कि हमें दस तारीख को जो हम गृहस्थ लोग हैं हमें दस तारीख को ही निर्जला एकादशी मना लेना चाहिए आप सब लोग क्योंकि पर आधी पब्लिक तो मुझे लगता है सो के ही नहीं उठ पाती है तो आप तो एकादशी में सो के ही नहीं उठ पाएंगे तो इसलिए ग्यारह तारीख को आपका मनाने का फायदा नहीं है दस तारीख को आप निर्जला एकादशी श्रद्धा से मनाएं और आपके लिए लाभप्रद होगी आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं भी अब निर्जला एकादशी का, का बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं देखिए ऐसा अगर पहले का समय थोड़ा अलग था लोग तप करते थे लोग ध्यान करते थे लोग अपने शरीर को तपा कर तपाने का प्रयास करते थे आज के समय में आप इतने सारे बिजनेस करते हैं नौकरी करते हैं भाग दौड़ ये सारी चीजें हैं तो ऐसे कंडीशन में आप अगर ये कहें कि नहीं जी आप पूरे दिन निर्जल व्रत रखेंगे आई थिंक वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है रख सकते हैं अच्छी बात है नहीं रख सकते हैं तो आप निर्जल व्रत ना रख करके फ्रूट इत्यादि ने सात्विक आहार करें और व्रत को रखें दूसरा जो लोग रख सकते हैं वो निर्जल व्रत जरूर रखें एक समय पर सूर्यास्त के बाद भगवान विष्णु की आराधना करके जल पीने की जो है वो आवश्यकता है ऐसा किया जाना चाहिए अब किस कार्य के लिए क्या दान किया जाए इस दिन दान जरूर किया जाता है घड़ा दान जल दान करने का नियम है तो लोग घड़ा या जग या ऐसी चीजें उठा करके दान करते हैं वस्त्र दान देने का नियम है पंखा दान करने का नियम है जो पंखा पहले होता था आजकल उसकी जगह फैन इत्यादि लोग दान करते हैं चीनी दान करने का दूध दान करने का फ्रूट दान करने का स्पेशली जल दान की महत्ता जो है उसको शास्त्रों के अंतर्गत वर्णन किया गया है जल में आप क्या जल दान करें लेकिन उस जल में क्या दान करें जो आपके लिए लाभप्रद है आज इस पर बात करूंगा मैं भाई अगर आपकी इच्छा ना घर में अर्थ को लेकर के है कि साहब भगवान विष्णु की कय व्रत है और भगवान विष्णु कृपा से हमारे यहाँ अर्थ की प्राप्ति होती है आपकी इच्छा है कि मेरा घर धन इत्यादि से परिपूर्ण रहे धन हमारे जीवन में अच्छा रहे तो आप क्या कीजिए सौंफ डाल करके जल तैयार कराइए ठीक है सौंफ डालिए गुड़ डालिए और बढ़िया वो सौफ का पहले ज, मिला करता था ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग तो शायद नहीं जानते होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा मिला करता था बड़ा ठंडा होता था सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद है तो सौफ डाल करके और शरबत तैयार कराइए गुण और सौंफ डाल करके और पांच लोगों को ये शरबत दीजिए देखिए आपके घर में धन की कमी नहीं होगी धन का बड़ा सुंदर लाभ होगा ये उपाय बड़े साधारण लेकिन काम बड़े इनके असाधारण है इसको ध्यान रखिएगा तो ये करके देख लीजिए आप लाभ देखिए तो धन का बड़ा सुंदर लाभ होगा अगर आप घर की अशांति से परेशान है घर के अंदर ना अशांतिपूर्ण वातावरण है तो गुलाब जल इत्यादि जो है उसके अंतर्गत गुलाब जल इत्यादि जो है उसको मिक्स करके और केसर डाल करके और दुग्ध डाल करके शरबत तैयार कीजिए और इसको स्पेशली पांच छोटी कन्याओं को दे दीजिए आप देखिए आपके घर की अशांति खत्म हो जाएगी भगवान विष्णु पूरी कृपा आपके ऊपर करने वाले हैं अगर कानूनी पचड़ों में बड़े फंसे रहते हैं कानूनी पचड़ों से बड़े परेशान रहते हैं तो आपने क्या करना है एक तो पांच पीले फूल भगवान विष्णु को चढ़ा दीजिए इस दिन है ना और उसके साथ दुग्ध के साथ दुग्ध की जो लस्सी होती है ये ले लीजिए दूध की जो लस्सी होती है या दही की जो भी लस्सी होती है वो ले लीजिए लस्सी लेकर के और ग्यारह वृद्ध लोगों को ले जाकर के दे दीजिए या आप सड़क पर भी बांट सकते हैं ग्यारह वृद्ध लोगों को अगर दे देंगे तो आप कानूनी पचड़ों से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे अब आप स्वास्थ्य की प्रॉब्लम से लेकर के परेशान हैं, हेल्थ को लेकर के परेशान हैं तो भाई भगवान विष्णु इस संसार के पालन करता है सारी प्रॉब्लम दूर करते हैं सिर्फ आवश्यक है कि श्रद्धा से उनकी शरण में जाएं तो जो शरबत वगैरह आप बनाएं दूध मिक्स करें चीनी मिक्स करें जल गंगा जल इत्यादि मिक्स करें सब कुछ मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ी शहद डाल दें और ये डाल करके और इस दिन वितरित कर दें आप देखिए आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं अगर कोई आपके मन में विचार रह गया आप जानते होंगे सर बहुत सब कुछ एक छोटे से कार्यक्रम में सम्मिलित करना बहुत आसान नहीं होता है तो यदि कोई जानकारी आपकी रह गई हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं नंबर आपके सामने है और प्रतिदिन रात्रि को नौ बजे और दोपहर को बारह बजे तो आपके साथ लाइव होता ही हो तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं साथ ही आप मुझे इंडिया न्यूज़ पर रात्रि को 11 बजे रोज देख सकते हैं कल्याणम में उस पर भी हम चर्चा करेंगे जय श्री राम बहुत धन्यवाद